हम जब भी कंपनी में जाते हैं तो हमारे को बिजनेस लॉजिक के बारे में सोचना पड़ता है. तो ये जो बुक है प्रोग्रामिंग चैलेंजेस बाय स्टीवन स्किनर, ये तुम्हें उन बिजनेस टॉपिक्स के ऊपर भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता है जो तुम्हें बाकी बुक्स ऊपर वाली नहीं देती है. जने को अगर कोई भी एल्गोरिदम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़नी है, द बेस्ट बुक यू गोना फाइंड आउट ऑन अर्थ इज इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम. एवरीवन नमन दिस साइड, आज हम बात करेंगे द बेस्ट बुक्स दैट यू शुड रीड फॉर बीइंग अ गुड प्रोग्रामर, फॉर बीइंग अ गुड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, या फिर एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या बुक्स इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले. द फर्स्ट वन बीइंग सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स बाय बालगुरुसोम. ये बहुत अच्छी बुक है जो तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएगी, बेसिक जानने के लिए काफ़ी अच्छी बुक है. जितने लोग भी अपने कॉलेजेस के लिए पढ़ रहे हैं, ये लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, सी या सी प्लस प्लस, दिस इज़ अ वेरी गुड रीड फॉर यू गाइज. सब कुछ दे रखा है राइट, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस या सी एंड एंडिंग टू ऑल द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स, जो तुम्हें जानने के लिए ज़रूरी है. ये बहुत बेसिक सी बुक है और सबके लिए आसान है, ये तुम सब पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है. यहाँ से सेकेंड बुक ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू टच अ बिट कॉम्पिटिटिव और थोड़ा इंटरव्यू और इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी जाएंगे. तो सेकेंड बुक चालू होती है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बाय गेल लैकमन मैकडाउल. ये एक बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर 189 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस है, फ्रॉम इजी टू द मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन. इसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ, सारे टॉपिक कवर्ड है. नॉट ओनली दिस, इस बुक के अंदर CTCI के अंदर, ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, पहली बार मैं बता दूँ, इस बुक के अंदर हर कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं. टू एज द सॉफ्ट साइड ऑफ एवरी कंपनी दैट यू नो ऑफ, इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है. स्टार्टिंग के अंदर प्रीफेस के बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके अंदर ये बताते हैं कि व्हाट्स द हायरिंग प्रोसेस ऑफ एवरी कंपनी और किस कंपनी में क्या पूछा जाता है, क्या करना चाहिए. इसके अलावा दिस बुक आल्सो कंटेन सूडो कोड, जिससे किसी भी लैंग्वेज में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें सिर्फ एक सूडो कोड पढ़ना है जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा. एंड इवन फॉर दोज वॉन्ट टू लर्न एनी थिंग फ्रॉम स्क्रैच, ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ अ मस्ट रीड फॉर एवरी प्रोग्रामर बिफोर यू गो फॉर एन इंटरव्यू. मैंने भी अपने फर्स्ट इंटरव्यू से पहले CTCI पढ़ी थी, पूरी नहीं पढ़ पाया था, बट एटलीस्ट आई रेड 3/4 ऑफ इट एंड दिस इज अ वेरी गुड रीड. नॉट ओनली दिस, इसके अंदर सिर्फ ये ही नहीं है, इट ऑल्सो हैज बिहेवियरल क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है. नॉट ओनली दिस, ऑल्सो इट हैज थिंग्स रिलेटेड टू सिस्टम डिजाइंस. 10 या 9-10 क्वेश्चन का कैटलॉग है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे अच्छे यूज केसेस के बारे में इसके अंदर बात की है. तो क्रैकिंग द कोड इंटरव्यू इज ओवरऑल अ गुड बुक व्हेन यू गो इनटू अ इंटरव्यू और कंपनीज प्लेसमेंट. तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर सब कुछ है. थर्ड बुक के ऊपर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है, आई एम श्योर काफ़ी कम बच्चों को बताओगे, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम बाय थॉमस एच कॉर्मन. इसके अंदर सारी एल्गोरिदम्स को सूडो कोड के बेस से बताया गया है जिससे किसी को भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं हो, बिकॉज सबकी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है. मैं C++ में करता हूँ, आप पाइथन या जावा में करते होंगे. तो इस बुक के अंदर सिर्फ एक सूडो कोड दे रखा है एंड द आइडिया. किसी भी जने को अगर कोई भी एल्गोरिदम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़नी है, द बेस्ट बुक यू गोना फाइंड आउट ऑन अर्थ इज इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम. कॉर्मन के नाम से फेमस है बुक. तो ये थर्ड बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है. कॉर्मन के अंदर बहुत डिटेल्ड, बहुत अच्छे से समझाया रखा है यूजिंग डायग्राम्स. मैंने पढ़ रखी है, काफ़ी अच्छी बुक है. फोर्थ, जितने भी बच्चे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आई एम श्योर काफ़ी बच्चे ये सोचते होंगे कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए क्या पढ़ा जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, है ना. तो देयर इज वन इम्पॉर्टेंट बुक, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग 3 बाय स्टीवन हलीम एक लेक्चरर है कंप्यूटिंग सोसाइटी के अंदर NUS में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर. ही इज़ ऑल्सो अ कोच ऑफ सिंगापुर IOI टीम. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल दिए हैं अपनी कंट्री को. स्टीवन हलीम और उनके साथ फेलिक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दो जनों ने ये बुक, दे आर ऑथर ऑफ दिस बुक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग 3. इन्होंने काफ़ी डिटेली टाइम कम्प्लेक्सिटीज के बारे में भी बात करी हर एल्गोरिथम की, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा है. फॉर एग्जाम्पल दी एडवांस थ्योरी, ग्राफ्स के एडवांस कॉन्सेप्ट्स, बिट मास्किंग और स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस, मैथ्स के काफ़ी जो तुम्हें टॉपिक कहीं और नहीं मिलेंगे वो तुम्हें इस बुक के अंदर मिलेंगे, और रेयर प्रॉब्लम्स जैसे चाइनीज पोस्टमैन प्रॉब्लम हो गई, राइट, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो गया, चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन,
ठीक है, ये सब जो काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं कहूंगा, जो काफी ज्यादा ट्रिकी एल्गोरिथम्स है जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में काम आती है, वो सब तुम्हें सिर्फ इसी बुक में मिलेगी, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग 3 बाय स्टीवन हलीम, एंड इट इज़ अ वेरी गुड बुक। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है। इसके अंदर सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर ये भी पता है कि किस एल्गोरिथम में टाइम कम लगता है, किस एल्गोरिथम में ज़्यादा। टाइम के ऊपर भी बात हुई है, दे हैव डिफाइंड, मतलब उन्होंने क्वान्टिटी बता रखी है कि कौन सा कम टाइम ले रहा है, कौन सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, जो मेरे को इस बुक के बारे में काफ़ी अच्छी लगी थी। और काफ़ी रेयर प्रॉब्लम्स के बारे में इस बुक में बात हुई है। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग 3 बहुत अच्छी बुक है, और बेसिक्स से स्टार्ट होता है, एंडिंग तक बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, बट आई एम श्योर काफ़ी अच्छी बुक है। इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट आती है गाइड टू कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, एक बहुत फेमस सी ये हैंडबुक, बहुत फेमस है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग हैंडबुक बाय एंटी लैक्सन। 280 पेजेस की बुक है, सुनने में बहुत कम लग रहा है 280 पेजेस में पूरी एंटायर कंप्यूटर थ्योरी है, प्रोग्रामिंग थ्योरी है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी स्टार्टिंग में ग्राफ्स ट्रीज से लेके कॉम्प्लेक्स टॉपिक तक, जो भी मैथ्स के जैसे हमारे कॉम्पिटिशनल ज्योमेट्री हो गई, कॉम्पिटिशनल ज्योमेट्री तक, और स्वीपिंग एल्गोरिथम्स, ये सब कुछ इस बुक के अंदर कवर है। मतलब 280 पेजेस में इसके अंदर सब कुछ है। तो ये एक छोटी सी हैंडबुक है, एक एक पेज के अंदर एक एक एल्गोरिथम है, बट इट हैज एवरीथिंग। ये बहुत कंसाइज बुक है एंड बहुत ईजिली समझ में आ सकती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने ऊपर की सारी बुक स्किप करना चाहते हो तो आई गेस दिस हैंडबुक विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। तो ये थी नेक्स्ट। इसके बाद आते हैं प्रोग्रामिंग चैलेंजेस बाय स्टीवन एस कीना। इस बुक के अंदर अच्छे क्वेश्चन है चैलेंजेस के रूप में, जो चैलेंजेस तुम्हें दे रखे हैं और एंड में तुम्हें इसके सोल्यूशन दे रखे हैं, सब कुछ अच्छे से बता रखा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट जस्ट फॉर इंटरव्यूज बट प्लेसमेंट के लिए, कैसे आपको अपने प्रॉब्लम्स बिजनेस मॉडल्स में हेल्प करते हैं। हम जब भी कंपनी में जाते हैं तो हमारे को बिजनेस लॉजिक के बारे में सोचना पड़ता है। तो ये जो बुक है प्रोग्रामिंग चैलेंजेस बाय स्टीवन स्कीना, ये तुम्हें उन बिजनेस टॉपिक्स के ऊपर भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता है, जो तुम्हें बाकी बुक्स ऊपर वाली नहीं देती है। ठीक है, बिजनेस लॉजिक पे काफ़ी ज़्यादा ये बुक हेल्प करती है, तो इसलिए दिस बुक इज़ ऑल्सो गुड रीड। इसके बाद एक बहुत अच्छी बुक है क्लीन कोड, दिस इज़ अ बोनस बुक फॉर यू गाइज, दिस इज़ फॉर एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि इस बुक के अंदर हम एक्चुअली सॉफ्टवेयर कैसे लिखते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में बात हुई है, वॉट डिज़ाइन लॉजिक यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड, क्या चीज़ कब काम आएगी, सब कुछ HLDs, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रोग्रामर को जाननी चाहिए, तो उसके लिए द लास्ट बुक क्लीन कोड एक काफ़ी अच्छी बुक है, कि हमें एक कंपनी के लिए, एक डिज़ाइन के लिए, एक हमारे को बिजनेस आइडिया के लिए कैसा कोड लिखना है, हाउ शुड बी अ कोड बेस, और हमें क्या क्या फैक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए। सो इट इज़ अ हैंडबुक फॉर एजाइल सॉफ्टवेयर क्राफ्ट्समैनशिप, एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए बुक है। तो क्लीन कोड जरूर पढ़ना, इसके अंदर डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में बात हो रही है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। ये तो होगी टेक्स्ट बुक की बात। इसके अलावा द मोस्ट जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है, द बेस्ट वेबसाइट फॉर जो मुझे अच्छी लगती है फॉर रिसोर्सेज CPL Algorithms। अगर आप ये बुक्स भी नहीं पढ़ते हो तो CPL Algorithms इज़ अ वेरी गुड वे टू गो। तो CPL Algorithms से आप जाके सारी Algorithms पढ़ सकते हो, सब कुछ दे रखा है उधर, कॉम्प्लेक्स मैथ्स Algorithms, ग्राफ्स, बाकी सारे इंटरस्ट्रक्चर सब कुछ है। तो वापस से डिस्कस कर लेते हैं मैंने आज कौन कौन से रिसोर्सेज बताई। द फर्स्ट वन इज सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा सक्सेस बाय बाला गुरुस्वामी, सेकंड इज CTCI क्रैकिंग द कोड इंटरव्यू बाय गेल लैकमैन डॉयल, थर्ड इज इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम बाय थॉमस एच कॉर्मन, फोर्थ इज कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग 3 बाय स्टीवन हलीम जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर्स के लिए है, फिफ्थ इज कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग हैंडबुक बाय एंटी लैक्सनन, सिक्स्थ इज प्रोग्रामिंग चैलेंजेस बाय स्टीवन एस कीना, और लास्ट जो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी बुक बताई है क्लीन कोड। ये तुम्हें आगे डिज़ाइन पैटर्न अप्लाई करने में, जब भी तुम कंपनी में जाओगे किसी भी डिज़ाइन लॉजिक पे काम करने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो दीज आर सम बेसिक बुक्स, ये बहुत अच्छी बुक्स है। आई एम श्योर अगर तुम ये बुक्स पढ़ोगे, आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें सारी बुक्स पढ़नी है, ऐसा मैंने नहीं कहा, कोई भी बुक पूरी मतलब कोई ऐसा नहीं कहा मैंने कि सारी बुक एक साथ पढ़ो। आई एम जस्ट सेइंग टू पिक वन ऑफ देम, जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये समझ आ रहा है वो पढ़ो, और वो पढ़ के देखा एंड मेरे को रिव्यूज़ दे देना यार वीडियोज़ के एंड में। I'll surely look up onto it और मैं देखूँगा कि किसको कौन सी बुक समझ आएगी। All right, thank you guys. Let's see you in the next video.